dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. Hey guys, welcome back to my new vlog. कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे. तो आज है करवा चौथ और कल रात को मैंने लगा ली थी दोनों हाथों में मेहंदी. एक हाथ में मैंने लगाई थी और एक हाथ में हमारे जो पड़ोसी है उनको वाइफ ने लगाई थी, तो एक हाथ में नहीं लगती है. तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी करवा चौथ. और आज सभी बच्चे गए हैं कराटे क्लास के लिए 7 बजे और हस्बैंड गए ऑफिस 2 बजे, तो ऑफिस है. उसके बाद घर आएंगे और फिर पूजा की करती हुई तैयारी. और काम सारा हो गया है घर का, बस अभी नहाना है और पूजा करनी है. तो चलो बने रहिए व्लॉग में. व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नए जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना और व्लॉग पूरा देखना. आज करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है तो जरूर से लाइक कर देना. एक नाना वगैरह मेरा सब हो गया है और मैंने आज पहनी है रेड कलर की साड़ी. ये देखिए मेरा पूरा लुक. और अभी शाम को अलग साड़ी पहनूंगी, अभी सुबह पूजा करनी है तो दूसरी साड़ी पहन रही हूँ. तो रेड कलर अच्छा माना जाता है इसलिए मैंने आज रेड ही कलर पहनी है, नहीं तो कभी कभार मैं दूसरे भी कलर पहन लेती हूँ, लेकिन अब की बार सोची कि मैं रेड ही पहन लेती हूँ. चलो बने रहिए व्लॉग में. तो गाइज मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, बस अभी पूजा कर रही हूँ क्योंकि 12 बजे बाद हमारे कर लेते हैं. फिर एक बार चाय वगैरह पी लो, पानी वगैरह पी लो, उसके बाद फिर नहीं पिया जाता, पूजा करने के बाद एक बार पिया जाता है. मैं पहले पूजा कर लेती हूँ. और ये है चांदी की चौथ माता, जो मैंने जब उद्यापन किया था ना तब बनवाई थी. तो तब से फिर हमारे यहाँ उद्यापन होने के बाद से बनती है, उसके बाद पूजा इसी से करते हैं. तो ये है मेन माता, इसी की पूजा करते हैं. और ये है मेरा करवा, ये करवा है, ये लेके आई थी. और यहाँ ना चीनी वाले, हमारा उधर चीनी वाला मिलता है, यहाँ नहीं मिलता चीनी वाला. तो मैं अभी वैसे ही चूरमा बनाएंगे, हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है तो उसी का ही भोग लगाएंगे. तो बस अभी पूजा स्टार्ट होने वाली, अकेली कर रही हूँ, कोई है नहीं साथ में करने के लिए. और ये मैंने पहना है शादी की चुनरी जो हर व्रत में पहनती हूँ मैं. और ये देखिए मेरी चौथ माता. और हमारे यहाँ दिया नहीं जलाते चौथ माता को, ऐसे ही रखते हैं. ये है गणपति जी, ये है करवा, और ये है लोटा, और ये है चौथ माता, और ये मेरी वाली चौथ माता. और मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी रची है. तो बस अभी कथा निकाल लेती हूँ. तो ये मिल गई मुझे व्रत की कहानी, करवा चौथ की कहानी. तो अभी मैं जल्दी से कहानी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ. एक साहूकार के साथ बेटा एक बेटी थी, सातू भाई बहन ने साथ लेकर जीम था. कार्तिक लागत की चौथ आई, भाई अपनी बहन ने बोला कि आओ भाई जीम. बहन बोली आज तो मैं मेरे करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगण से जीमूंगी. भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टी बाग ओल धोकर दियो चास का चालनी ढक कर दी और कहो कि बहन चांद उगियो. अर्ग दे बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अर्ग देवा. भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद मारो तो रात में उसी. बहन अकेली अरग देकर भाया का साथ जिमन बैठगी. पहला गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा में भाई ने सासन लेने आ गया कि भाई को पावन बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो. माँ भाई ने पैर करने के खातिर 3 बार बुकचो. तो गाइस ना धूप नहीं निकल रही, आज बारिश का सा मौसम हो रहा है और चांद चांद भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं. आज सूरज ही नहीं दिख रहे तो चांद कहाँ से दिखेगा. और अभी ऐसे अरग दे रही, तू क्या करूँ, कब तक वेट करूँ अरग देने का. चांद ही नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है आज, क्योंकि बारिश हो रही है इधर तो बहुत तेज. ऐसे ही दे लेती हूँ बस. सोना किसी भी जन्मों का कुहार, कार्तिक का सूरज न्यारक देता जियो मारा बस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23. दूर से बना, दूर से दिखो. बस तो
आज बनेगी हमारे यहाँ पर दाल बाटी चूरमा। बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। 3 बज गए हैं क्योंकि बनाते बनाते 2-3 घंटे लग जाएंगे। फिर मेरे अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि मैं फटाफट जल्दी से बना लेती हूँ। पहले बनाऊंगी चूरमा, उसके बाद बाटी की दाल। ये बन गया है मेरा चूरमा। मैंने इसमें मिलाया है मावा और घी, और अभी बाटी बना रही हूँ। बाटी की तैयारी हो रही है, तो चूरमा तो मेरा डन हो गया एकदम। किचन पूरा फैल गया है, एक चूरमा बनाने में ये हाल है। तो गाइस, रात को करवा चौथ थी और लेकिन हमको चांद ही नहीं दिखा। रात को बारिश हो रही थी, आज दिन भर धूप नहीं थी। तो मैं जब अर्घ दे रही थी तो सूरज भी देवता नहीं थे, और रात को चांद का वेट 12 बजे तक करते रहे, लेकिन निकला ही चांद। और भूख से, मतलब भूख तो नहीं लगी लेकिन चक्कर आता है, बहुत तेज चक्कर आ रहा था। 12 बजे तक वेट किया, फिर वीडियो कॉल पे देखे, उसके बाद ही व्रत तो खोला। क्योंकि ना फिर दिन भर, फिर सुबह सूरज देख के ही खाना खाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर चांद नहीं देख पाते तो सुबह सूरज देख के खाना खाओ। तो रात भर वेट करने के बाद 1 बजे तक मैं बाहर आके देख रही थी कि चांद निकल जाए, चांद निकल जाए, एक बार देख लूँ। लेकिन कल दर्शन ही नहीं हुए चांद के। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। कल ऐसा ही था कि दिन भर ना धूप थी ना चांद था। चलो हो गया पूरा कंप्लीट, और मेरा गिफ्ट दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे क्या गिफ्ट दिया है। टुक टुक और ये लेके आए थे मेरे लिए, दिखाती हूँ। ये देखो, चांदी की पायल है जो मुझे हल्की वाली घर में चाहिए थी, लाइट वाली। मैं बोल रही थी इनको कई दिनों से कि मुझे लाइट वाली पायल चाहिए, तो वही ला के दिए थे। ये देखो, ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है। पहली बार मुझे दिया है इन्होंने, कभी नहीं दिया आज तक। तो अभी फूल ला के देते थे, फूल ला के दिए हमेशा, लेकिन कभी करवा चौथ का गिफ्ट नहीं दिए। पहली बार लेके आए, वो भी मेरे बेटे ने बोला कि पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आओ। तो हम गए और फिर ये लेके आए, मतलब मैंने ये लेके आए और फिर छुपा दिए। उसके बाद चांद ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या। इतना कल दिमाग ख़राब हो गया रात को कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं चांद नहीं देखी। नहीं तो हमेशा हर साल चांद देखते थे, इस बार चांद हुए। आज देखो कितनी धूप खिली हुई है, और कल बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और सुबह ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होगी, और रात को जैसे 11:30 बजे तो बारिश आना चालू हो गई। फिर उम्मीद ही टूट गई कि अब तो उगना ही नहीं है चांद। तो फिर मेरी जो ननद है उन्होंने दिखाया वीडियो कॉल पे, फिर मैंने अर्घ दी, और फिर लास्ट में मुझे फोन में देखकर ही व्रत खोलना पड़ा। इतनी टेंशन हो गई थी। तो अभी सूरज देवता को मैंने प्रणाम कर दिया है, देख लिया है। चलो ये व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो मेरी मेहंदी कितनी काली हो गई, डार्क हो गई, कितना प्यार करता है।